न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सरकार बाजरे की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और बाजरे के एक एक दाने की खरीद कर भावांतर योजना से किसानों की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आढ़ती भाव कम करने का प्रयास कर सकते हैं, मगर इस पर नज़र रखने के लिए सरकार स्वयं मंडियों में प्लेयर के रूप में उतरेगी। पिछले दिनों किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर अधिकारिता मंत्री ने कहा कि कानून हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब की राजनीति में आए भूचाल पर ओम प्रकाश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन को अगर वाकई पंजाब की सपोर्ट थी तो निश्चित तौर पर किसान आंदोलन पर इसका भारी फर्क पड़ेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर अधिकारिता मंत्री ने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल होते हैं तो भाजपा वेलकम जरूर करेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार अपने वादे से हट गई, जब सरकार कह रही थी कि एक एक दाना खरीदेंगे। बिल्कुल, एक एक दाना खरीदने की बात है और आज हम उसमें भावांतर योजना देने जा रहे हैं, ये फैसला किया है। तो उसमें बुराई क्या है भाई? जो अगर किसान की जींस 2250 रुपए से कम बिकती है तो जो बीच का अंतर रहेगा वो सरकार दे देगी, एक ही बात है। सर, इसमें एक बात है कि अगर एकड़ में 12 क्विंटल या 13-14 क्विंटल होता है लेकिन सरकार 8 क्विंटल एकड़ के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पैदावार मानी जाती है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर। एक फसल कटाई प्रयोग होता है जो पूरे देश में होता है, हर साल होता है, साल में बल्कि 2 बार होता है, और उसके डेटा के आधार पर ही जो अखबारों में या कहीं भी आप यूँ पढ़ते हो कि इस बार हमारे देश में इतना अनाज होने की संभावना है जी। वो उसके आधार पर करते हैं। आज भी हमने बाजरे का जो पिछली साल का क्रॉप कटिंग था उससे इनकी एवरेज ली है, किसी ब्लॉक में 8 क्विंटल है, किसी में 9 है, और एक मुझे ध्यान नहीं कौन सा ब्लॉक है उसमें 13 क्विंटल आई, मान लिया गया एवरेज। अब जहाँ 13 है उनको 13 के हिसाब से मिलेगा, जहाँ 8 है उनको 8 के हिसाब से मिलेगा, 9 है उनको 9 के हिसाब से। तो ये कैसे माना जाए कि मंडी में जब किसान जाएगा तो आढ़ती उसके बाजरे को 1650 रुपये तक खरीद पाएगा या उससे कम में खरीदेगा, लेकिन सरकार तो 600 रुपये जो भावांतर योजना के तहत दे रही है तो 2250 तो नहीं होंगे। ये आप ठीक कहते हो कि व्यापारी मिलकर उसके भाव को डाउन करने के चक्कर में प्रयास कर सकता है। उसके लिए हमारी सरकार भावांतर योजना तो दे ही रही है और उसके साथ साथ मंडी के अंदर एक प्लेयर के रूप में हमारी सरकार भी रहेगी, यानी निगरानी रखेगी। हमारी सरकार एक प्लेयर के रूप में, कहने का मतलब ये कि सरकार परचेज करेगी और जब यूँ नज़र आएगा कि भाई मंडी में चीज़ इतनी आई है और सरकारी एजेंसी आ गई परचेज करने के लिए तो ज़रूर व्यापारी उसके अंदर वो कहेगा जल्दी मेरे को दो। तो माना जाए कि तो सरकार चाहती है कि भाई किसान का एक एक दाना बिक जाए, उसको ज़्यादा नुकसान भी ना हो और कुछ जो डाउन रहे मार्केट उसको हम भावांतर दे दें। से जो सपोर्ट किया गया है तो अब पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान है, जिस तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब किसान आंदोलन पर इसका असर पड़ेगा। अगर उनकी सपोर्ट थी तो ज़रूर पड़ना चाहिए। आते हैं तो भाजपा वेलकम करेगी? बिल्कुल करेगी। कोई भी कद्दावर नेता किसी पार्टी में आता है तो भाजपा उसका वेलकम करेगी, स्वागत करेगी। एक बाबी जगह किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके सवाल। अगर देखिए कानून के साथ कोई छेड़छाड़ होगा तो कानून अपना काम करेगा, कोई भी व्यक्ति हो।